टीवी तमाशा में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आखिरकार कौन है जो मांग रहा है तेजस्वी और करण के अलग होने की दुआ? जी हाँ, और इस दुआ पर आखिरकार क्या है करण कुंद्रा का रिएक्शन, और किसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तेजस्वी और करण के रिश्ते से? चलिए आइए कर देते हैं खुलासा इस बात का। लेकिन अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर पाए। तो लो जी दोस्तों, आ गई है बड़ी खबर सामने, और खबर ये है कि करण और तेजस्वी के अलग होने की लोग कर रहे हैं दुआएं। अब ये लोग जो हैं, ये आखिरकार हैं कौन? ऐसा कौन कर सकता है कि किसी के रिश्ते को कोई तुड़वाना चाहे, है ना? ऐसा तो सीरियल्स में वैम्प्स करती हैं। जी हाँ, अलग अलग षड्यंत्र रच के लोगों के रिश्ते तुड़वाती हैं। यहाँ पर ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहे थे ट्विटर पर कुछ ट्रोलर्स। जी हाँ, जिन्होंने करण कुंद्रा को बद्दुआएं दी कि वो तेजस्वी प्रकाश से अलग हो जाएं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका कहना है कि करण कुंद्रा बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हैं और वो तेजस्वी के लिए बिल्कुल भी अच्छे पार्टनर नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी को याद होगा कि तेजस्वी प्रकाश ने बिग बॉस के घर के अंदर भी एक बात कही थी कि ये मेरी जिंदगी है, मुझे क्या करना है, किसके साथ रिश्ता रखना है, किसके साथ नहीं रखना है, ये मेरा डिसीजन है, किसी और का नहीं, तो मुझे प्लीज बताने की कोशिश मत करो। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है करण कुंद्रा ने ये चीज साफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी प्रकाश मेरी फैमिली में शामिल हो चुकी हैं और अपनी फैमिली को कैसे हैंडल करना है, सबको कैसे खुश रखना है, ये मुझ पर डिपेंड करता है और ये मैं कर लूंगा, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। और साथ ही उन्होंने ट्रोलर्स को और हेटर्स को ये जवाब भी देते हुए कहा कि तेजस्वी प्रकाश को तो मैं भगवान से भी छीन सकता हूँ, तुम दुआएं मांगते रहो। आपको क्या है इस पर कहना, कमेंट में जरूर बताइए।